घोलकर जहर खुद ही हवाओं में हर शख्स मुंह छुपाए घूम रहा है। आइए बात करते हैं आज हम लोग पॉल्यूशन के सॉल्यूशन पे। आखिर क्या हो गई है इस दिल्ली को जो इतना कोहराम मचा हुआ है चारों तरफ, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन के सॉल्यूशन पे। आइए अभी अभी हम लोगों ने कहा था कि चर्चा करते हैं पॉल्यूशन के सॉल्यूशन पे। तो अभी देखा जा रहा है कि कुमार विश्वास जी का जस्ट अभी अभी ट्वीट आया है, वहां पे कुमार विश्वास जी ने कहा है कि आइए 400 साल पुराने ताजमहल जैसे विषयों पर लड़ मरे या कुत्ता गधा गाय पर चर्चा करे, सासों की क्या कीमत है, वो तो आते जाते रहती है। इसी बीच अभी अभी जस्ट अपडेट किया गया है जहां पे ये चीज कहा गया था, और हमने देखा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की, हर बात में हम लोग चाइना को कंपेयर करते हैं अपने आप इंडिया से, अपने इंडिया से हर चीज में हम लोग कंपेयर करते हैं कि चाइना चाइना चाइना। चाइना का पॉल्यूशन और पॉपुलेशन की अगर बात करी जाए तो चाइना में पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन इंडिया में चाइना के कंपैरिजन पॉपुलेशन कम है। और अगर पॉल्यूशन से होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं, अगर उनसे मरने वाले लोगों का आंकड़ा देखा जाए तो चाइना के कंपैरिजन में इंडिया में ज्यादा है। इट मींस कि हम इंडियन हर जगह पे हर बार कहीं ना कहीं लापरवाही करते आते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि पॉल्यूशन से बचे कैसे हम लोग, आखिर उस पॉल्यूशन पे हम लोग विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब अचानक से तो इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता है दोस्तों। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो इस पॉल्यूशन को थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे इस बार ये देखा गया था कि पूरे NCR में पटाखे को बैन कर दिया गया था दिवाली के टाइम पे, तो उससे थोड़ा सा पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम हुआ है आई थिंक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पॉल्यूशन से बचे कैसे, फाइनली हमारा टॉपिक था पॉल्यूशन का सोल्यूशन, टॉपिक था पॉल्यूशन का सोल्यूशन आखिर क्या है। तो दोस्तों आसपास के जितने भी हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आते जाते रहते हैं, आसपास के जितने भी पेड़ पौधे पत्तियां हैं उस पे अगर हम पानी का छिड़काव करते हैं तो पत्तियों पे लगे हुए जो धूल मिट्टी हैं वो हट जाएंगे, और उन पेड़ों को जिस काम के लिए लगाया गया था वो पेड़ अपना काम सही ढंग से कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम अपने पर्सनल व्हीकल के बदले अगर हम कार पूल यूज करें, शेयरिंग यूज करें, ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे ही हमारा जो व्हीकल है अगर वो रेड लाइट पे रुकता है, ठीक है, या फिर अगर हम कार पूल में हैं और रेड लाइट पे रुकता है, तो हम ड्राइवर से या अपने आप को ये चीज कर सकते हैं कि इंजन को वहां पे बंद किया जाए ताकि उससे थोड़ा बहुत तो असर पड़ सकता है, थोड़ा बहुत। ये सारी वो चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं। अब जैसे हमारे घर के आमने सामने हम लोग नॉर्मली लेते हैं कि पानी का छींटा, बहुत ही सिंपल थिंग है कि पानी का छींटा, यानी पानी हम लोग अपने पानी का छिड़काव अपने घर के अगल बगल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आसपास जितने भी धूल मिट्टियां हैं वो हमारे घर में नहीं आ पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कूड़े कचड़े की, तो अगर घर के अगल बगल जितने भी खाली प्लॉट्स वगैरह होते हैं वहां पे नॉर्मली हम लोग कचरा फेंक दिया करते हैं। पहली बात तो हमें वो चीज फेंकना नहीं चाहिए, दूसरी बात कि वहां पे कुछ लोग उस कचड़े का ढेर लगा के उसे आग लगा देते हैं, जला देते हैं, हमें उसे जलाने से रोकना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बार फिर आपसे मैंने कहा था कि करंट सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और वो सॉल्यूशन हम और आप मिलके निकालते हैं, एक कदम आपका और एक कदम हमारा, शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए। वो इसलिए कि जब मोदी जी ने स्टार्ट किया था स्वच्छता मिशन, ठीक है, तो वहां पे अचानक से पूरे इंडिया को क्लीन नहीं किया गया था, वो धीरे 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 ये चीज हो पाया। आज के डेट में भी हम लोग कूड़ा फेंकने से पहले एक बार सोचते हैं कि कूड़े को सही जगह पे फेंका जाए जहां उसका जगह है। दोस्तों बात करते हैं, हमने अभी अब डिस्कस किया कि हम लोग क्या करें, गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि जितने भी निजी वाहन यूज करने वाले, जितने भी पर्सनल व्हीकल्स यूज करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जागरूक करें कि आप पर्सनल व्हीकल यूज ना करें। अब उसके लिए गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ेगा कि सरकार के पास वाहनों की जो सुविधा है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि पब्लिक को परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गवर्नमेंट को
एक ऐसा रूल बना देना चाहिए कि रेड लाइट पे इंजन को बंद किया जाए, यानी कि रेड लाइट पे इंजन को बंद करने का कानून लगा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो लोग रेड लाइट पे इंजन चालू रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, वो उस टाइम पे इंजन को ऑफ रखते हैं। अगर बात करी जाए ग्रीन एरियाज की, तो जहां जहां पे ग्रीन एरियाज है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ग्रीन एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से अभी देखा गया आज ही के दिन कि आगरा मथुरा दिल्ली हाईवे पे बहुत ही भयंकर दुर्घटना देखा गया है। वहां पे बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, छोटे बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे, नहीं आए। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो करंट प्रॉब्लम चल रहा है, आखिर उससे हम लोग बचे कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर उसके उपाय क्या है, तो उसके उपाय ये है कि जैसे आप जब कभी भी घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए या किसी रिलेटिव के यहाँ जाने के लिए, तो आप अगर पॉसिबल है तो मास्क का यूज कीजिए। आप अगर मास्क का यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत उस चीज में रिलैक्सेशन है कि हाँ हम पॉल्यूशन से थोड़ा सा बच सकते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको घर से बाहर ना जाने दें, उनको घर में रखें। और मैंने आपको बताया था कि अगल बगल अपने आस पड़ोस में पानी का छिड़काव रखें, पेड़ पौधे जो भी हैं उन पे पानी का छिड़काव करने से मैंने बताया था कि धूल मिट्टी हट जाएंगे तो पेड़ अपना काम कर सकेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप थोड़े से, अगर हम लोग मिलके थोड़े से जागरूक होते हैं इस चीज के लिए, तो शायद एक बड़ा कदम हो सकता है और हम लोग आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के बाद पॉल्यूशन पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्वच्छता पे विजय प्राप्त किया था। थैंक यू सो मच। अनुप्रकाश आपके